ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, आई एम केशव योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, हमने हमारा लेसन दी सुनामी कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है? तो कम टू द पॉइंट। टेक्सुअल क्वेश्चन सेल्स के वर्किंग विद द टेक्स्ट, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन क्लास देन राइट योर ओन आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ही फेल द अर्थक्वेक, जब उसे अर्थक्वेक महसूस हुआ, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, इग्नेशियस इमीडिएटली वरिड अबाउट ए सुनामी। तो इग्नेशियस तुरंत चिंतित हो चुका था किसके बारे में, सुनामी के बारे में। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, आपको इसमें रीजन बताना है, कारण बताना है। विच सेंटेंस इज द टेक्स्ट टेल्स यू दैट द इग्नेशियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम टू डिस्कस एंड प्लान द कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द सुनामी स्ट्रक। विच सेंटेंस मतलब कि कौन सा सेंटेंस इस जो टेक्स्ट में है वो आपको बताता है कि इग्नेशियस की फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम, उनके पास कोई समय नहीं था टू डिस्कस, बातें करने का, एंड प्लान करने का देयर कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कि उनको एक्शन करने के लिए आफ्टर द सुनामी स्ट्रक, सुनामी के प्रहार के बाद। आंसर होगा इसका, इग्नेशियस वॉज नॉट इमिडिएटली वरिड अबाउट द सुनामी एज ही फेल्ट दैट इट वॉज जस्ट एन अर्थक्वेक। इग्नेशियस जो कि नहीं था, तुरंत चिंतित नहीं था अबाउट द सुनामी के बारे में, एज ही फेल्ट, क्योंकि उसे महसूस हुआ था दैट कि इट वॉज जस्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे क्या महसूस हुआ था कि ये क्या है, केवल एक अर्थक्वेक है, एक भूकंप है। मोर ओवर ऑर्डिनरी अर्थक्वेक्स वर कॉमन अक्यूरेंसेज इन द अंडमान एंड निकोबार आईलैंड एंड डिड नॉट अलार्म द रेजिडेंट्स मच। मतलब कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप है ना, वहाँ पर जो अर्थक्वेक है वो एक सामान्यतः आते रहते हैं, मतलब कि लोगों को इसका एक आदत सी पड़ गई है वहाँ के लोगों को कि जो अर्थक्वेक है वहाँ पर आते रहते हैं, एंड डिड नॉट अलार्म द रेजिडेंट्स मच। और अर्थक्वेक जब आते हैं ना, तो उससे पहले वहाँ पर किसी प्रकार की कोई चेतावनी वहाँ के निवासियों को नहीं मिलती है। द फैक्ट दैट ही पुट द टेलीविज़न डाउन ऑन द ग्राउंड, और इस तथ्य के बावजूद, मतलब कि जो तथ्य ये है कि उसने टेलीविज़न को कहाँ रख दिया था, नीचे रख दिया था, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, टू सेव इट, उसे बचाने के लिए, फ्रॉम फॉलिंग एंड ब्रेकिंग शोज दिस, कि कहीं वो नीचे नहीं गिर जाए और नीचे गिरने से वो टूट नहीं जाए। ठीक है, द फॉलोइंग सेंटेंस टेल्स अस दैट द इग्नेशियस फैमिली हैड नो टाइम टू डिस्कस एंड प्लान। अब हमें नीचे वो लाइन लिखनी है जिससे कि हमें पता करना है कि इग्नेस की फैमिली को कोई भी मतलब कि कोई टाइम नहीं था बातें करने का एक दूसरे से और प्लान करने का कि जो सुनामी है उसके स्ट्रक्ट से किस तरीके से बचना है। ठीक है, तो इन द साउस एंड कन्फ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रेस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये लाइन आपको लर्न करनी है। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिएगा, विच वर्ड्स इन द लिस्ट विल यू डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन। मतलब कौन से शब्द इन द लिस्ट, जो लिस्ट है उसमें से विल यू डिस्क्राइब, जो कि वर्णन करता है संजीव का, इन योर ओपिनियन, तुम्हारे राय में। लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ। तो आपको डिक्शनरी के हेल्प के द्वारा ये क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। तो देखिएगा, फर्स्ट वाला देखिएगा, आई डोंट नो इफ संजीव वाज चीयरफुल, मैं नहीं जानता कि यदि संजीव क्या होगा, खुश। तो यहाँ पे आएगा एम्बिशियस, जिसका मतलब होता है महत्वाकांक्षी, ब्रैश BRASS, जिसका मीन होता है नाजुक। ठीक है, सेकेंड वाला देखिए, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, वह बहुत ब्रेव होगा, बहादुर होगा, हेरोइक होगा एंड सेल्फलेस होगा। ठीक है, तो हेरोइक का मीन्स है वीर एंड सेल्फलेस का मतलब है लापरवाह। थर्ड वाला देखिए, संजीव वॉज नॉट हर्टलेस, संजीव हर्टलेस नहीं था, केयरलेस, लापरवाह नहीं था, एंड हुमरस, हुमरस का मतलब होता है यहाँ पर हास्यकार। ठीक है, थर्ड वाला देखिए, हाउ आर मेघना एंड अलमस स्टोरी सिमिलर, मेघना की और अलमस की जो स्टोरी है वो सिमिलर कैसे थी, एक जैसे कैसे है। मेघनास एंड अलमस स्टोरी आर क्वाइट सिमिलर सिंस बोथ वर फॉर्चुनेट सर्वाइवर्स इन ए टेरिबल डिजास्टर। मेघना और अलमस की स्टोरी वो एक जैसी है, क्योंकि सिंस बोथ वर फॉर्चुनेट सर्वाइवर्स इन ए टेरिबल डिजास्टर। टेरिबल का होता है भयानक, डिजास्टर मतलब आपदा में उन्होंने क्या किया था,
फॉर्चुनेट सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स का मतलब होता है यहाँ पर जीवित बचे हुए लोग, ठीक है। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली, ठीक है, क्योंकि दोनों ही ऐसे थे जो कि जीवित बचे थे इस भयानक आपदा में, क्योंकि वो बहुत भाग्यशाली थे। मेघना वाज स्वेप्ट अवे विद हर पेरेंट्स एंड अदर पीपल, जो मेघना थी वो स्वेप्ट अवे, वो बह गई थी विद हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ, एंड अदर पीपल दूसरे लोगों के साथ। शी वाज वास्ट एश्योर बाई ए वेव, और मतलब कि उसे एक मतलब कि लहर के द्वारा बहा ले जाया गया था। अलमस क्लाइम्ड ऑन टू ए लॉग ऑफ वुड, और अलमस चढ़ गया था किसके ऊपर, अलमस चढ़ गई थी किसके ऊपर, एक लकड़ी के तने के ऊपर। व्हेन शी वोक अप, और जब वह जागी, शी फाउंड हरसेल्फ इन ए हॉस्पिटल इन कामरोथा, और जब वह जागी तब उसने अपने आप को कहाँ पर पाया था, एक हॉस्पिटल में। तो दोनों की कहानी सिमिलर इस वजह से क्योंकि दोनों ही एक ऐसी विपदा में जीवित प्राणी बचे हुए थे, ठीक है, क्योंकि दोनों उनके लक था कि वो दोनों बच गए थे।